शांत हाँ शांत अच्छा सब बाय वाले कितने बच्चे हैं खाली
देखिए समझते हैं। तो पहला हमारा जो कोर्स है कोर्स का नाम है ये, मतलब कि MBBS एक ऐसा कोर्स है जिसके जिसको करने के बाद आप डॉक्टर बन जाओ और वो भी वेल क्वालिफाइड डॉक्टर। ये नहीं कि ऐसे ही बोला था MBBS करने के बाद, और MBBS ऐसे जनरली आपको कोई भी कॉलेज नहीं करा सकते। जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल हमको MBBS करना है, भैया हमारे पास का नहीं, हम फिर से BBBS नहीं करा पाते, MBBS करना है। तो ये सब कॉलेज है, ये केवल यूनिवर्सिटीज कराते हैं। यूनिवर्सिटी का मतलब विश्वविद्यालय। देखिए महाविद्यालय का नहीं है, एक ये छोटे मोटे महाविद्यालय होता है, विश्वविद्यालय होता है, विश्वविद्यालय को ही आपको यूनिवर्सिटी बोलते हैं। और हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे क्या है विश्वविद्यालय, जैसे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, जैसे कि लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गया, BHU हो गया, ये बहुत बड़े बड़े हमारे इंडिया के यूनिवर्सिटी हैं। मीडिया हो गया, या फिर क्या कहते हैं हमारे ये JNU हो गया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, है ये सारे सारे यूनिवर्सिटी हैं। हर राज्य में आप देखोगे कि हर राज्य में यानी हर डिस्ट्रिक्ट में भले एक एक यूनिवर्सिटी जो देखोगे, जैसे हमारे यहाँ बनारस है वो एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, उसमें भी आपको जैसे BHU है, इसे हम थोड़ा सा पीछे हैं, थोड़ा सा बहुत पीछे हैं। हम लोग जो क्षेत्र का बात करें या दूसरे क्षेत्र के आदिवासी रीजन है, हम लोग सोचते रहे लोग अपने क्षेत्र के बारे में, और यहाँ के जो नेता है वो भी थोड़ा सा करते हैं। अभी जो 5 साल मतलब रह के गया है वो भी क्या है अंगूठा छाप, पहली बार अंगूठा छाप है, यही बात है। जो अंगूठा छाप से नहीं मतलब थोड़ी बड़ी ट्रेंड होनी चाहिए, अगर मान लो तुम्हारा अंगूठा छाप है, लेकिन उसकी सोच के नहीं बच्चे आगे बढ़ेंगे, हमारे जिले के लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तब ठीक खड़े होते हैं। ठीक है, अब देखिए MBBS है, अब जो MBBS है, अब इसके लिए जो गवर्नमेंट कॉलेज, ये हमने बोला कोर्स का नाम है, इस कोर्स को करने के बाद आप वेल क्वालिफाइड डॉक्टर बनोगे। एक अच्छा आपका पैकेज भी अच्छा लगेगा, ये देखिए थोड़ा मोड़ा लगभग ये 80-90 हज़ार से इसका पैकेज शुरुआत होगा, और बाद में जाकर के वही आपके लाख में बदल जाएगा, 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख। आप अगर MBBS करके गवर्नमेंट भी जॉब लगती है, प्राइवेट भी, प्राइवेट में जाओगे तो और ज़्यादा आपकी सैलरी होगी, मतलब ये बहुत ज़्यादा। जैसे कि प्राइवेट आप लोग हॉस्पिटल देखते हो कि प्राइवेट हॉस्पिटल एकदम वेल क्लीन होता है, गवर्नमेंट क्या अपेक्षा, बहुत कम ही ऐसे हमारे पास हॉस्पिटल हैं जो वेल क्लीन हो, है ना। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल वाले रहते हैं अच्छा अच्छा खासा रखते हैं, चमका कर रखते हैं, क्योंकि जानते हैं कि चमका कर रखते हैं कि AC लगा कर रखेंगे तो वही AC और वही फर्स्ट क्लास चमकता हुआ फर्स्ट यहाँ पैसा लेंगे। और यहाँ पर देखिए अब गवर्नमेंट कॉलेज की कौन कौन से, गवर्नमेंट कॉलेज में तो पहला है AIIMS, और AIIMS क्या है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये कहाँ पर है, देवली गली। तो देखिए कॉलेज का नाम है, जैसे आपने MBBS, अब MBBS और कॉलेज कैसे पाएंगे, और AIIMS का मतलब AIIMS पे हमको एडमिशन कराना है, कैसे अपना एडमिशन कराना है, इसके बारे में बात करते हैं। उसके लिए रास्ते हैं, एक ही रास्ता है जो कि नीट, बस हमारा नीट। आगे हम बात करेंगे इसके बारे में, उसके पेपर पैटर्न के बारे में बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्या है, NAMC, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, ये न्यू दिल्ली, बस हमारा ये सब सारा का सारा गवर्नमेंट कॉलेज है, एकदम गवर्नमेंट कॉलेज। तो गवर्नमेंट कॉलेज में फायदा होता है कि फीस आप कम सकते हैं, एक गवर्नमेंट कॉलेज से आपके अंदर टैलेंट है, यानी आप अपना मतलब दिखाओगे तभी गवर्नमेंट कॉलेज आपको अडॉप्ट करेगा, ऐसे नहीं। बस हमारा ये बात कि इसमें फीस बहुत कम लगता है। AFMC है, यानी आर्म फोर्सेज मेडिकल कॉलेज, ये पुणे में है, पुणे का है, वही महाराष्ट्र मुंबई है ना, पुणे में आपको मिल जाएगा ये कॉलेज। ये सब सारे सारे टॉप कॉलेज है हमारे इंडिया के, AIIMS हो गया, NAMC हो गया, AFMC हो गया, और क्या है जी मेन इसको बोलते हैं JIPMER, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज अमृतसर, ये पुडुचेरी में आपका है। हम लोग का पुडुचेरी कहाँ का है, ये क्या है केंद्र शासित प्रदेश में बोलते हैं इसको, लक्षद्वीप पुडुचेरी सब इंडिया में है, हिमाचल में है। अब ये BHU, इसके बारे में हम लोग सब जानते हैं, जो बनारस में स्थित है ना, BHU यानी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बनारस, इसको बोलते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, क्या बात करना है। तो ये सारे सारे कॉलेज हो गए टॉप फाइव, टॉप फाइव का मतलब कि यहाँ से निकलने के बाद सीधे पैकेज लाख से ऊपर चालू हो जाएगा, लाख से ऊपर चालू होना से पहले आपको पढ़ाई इस तरीके से पढ़ाया इस तरीके से जाएगा कि आप अगर फॉरेन कंट्री में जाते हो दिखाते हो भैया हमने इन कॉलेज से डिग्री लिया है तो बोलेगा भैया आओ जल्दी से आओ, फिर खाली इस तरीके से बोला जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा होगा। अब देखो अभी कुछ और कॉलेज है, अब देखिए प्राइवेट जैसे कॉलेज, अब देखिए प्राइवेट कॉलेज में ये डिफरेंस है कि इसमें भी पढ़ाई वही मिलेगा और अवेलेबल वही मिलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। लेकिन MBBS जो कोर्स है तो उसके लिए थोड़ा ज़्यादा पैसा लगता है, लगभग लगभग आपके पास 1 से 1.5 करोड़ होता है, तो प्राइवेट के लिए गवर्नमेंट के लिए कम नहीं चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और गवर्नमेंट अगर आप कॉलेज निकाल देते हो तो आपको गवर्नमेंट को लोन देती है, मुझे कहलाता है एजुकेशन लोन,
लेकिन कब देंगे, जब आपके पास रहेगा कि नहीं देखिए, भैया हमने MBBS निकाल के रखा है, हमारे पास 5 का सर्टिफिकेट है बीजेपी और हमें लोन चाहिए, तब आपको देंगे। ये तो फिर अगर आप ऐसे ही जाओगे तो आपको देंगे, और ऐसे ही अगर मान लो आप ऐसे ही जाते हो तो फिर आपको गिरवी रखना पड़ेगा जमीन ज़्यादा, तब आपको देंगे। बस समझ में आइए दोस्तों, ये कौन कौन से प्राइवेट कौन कौन से कॉलेज हैं MBBS कोर्स को करने के लिए, MBBS कोर्स करने का आप डॉक्टर बनोगे। यहाँ पे क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज है, CMC को बोला जाता है, तमिलनाडु में है, और ये है कस्तूरबा गपा, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज है, ये कर्नाटका में है, ये सब हमारे इंजीनियरिंग क्षेत्र है, और ये श्री रामचंद्रा मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये चेन्नई में पास चल रहा है। ये सारे के सारे प्राइवेट है, ये सारे के सारे कॉलेज है जो कि प्राइवेट संस्थान के द्वारा चलाया जा रहा है, इसमें गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं है, यानी कि अपना फीस जितना ज़्यादा रखें आपको देना पड़ेगा, गवर्नमेंट वाले में क्या आवाज उठा सकते हैं, क्योंकि वो पब्लिक प्रॉपर्टी बताते हैं। देखते हैं हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, ये है देखिए इसका नाम है हमदर्द, सबका दर्द देखो अब यहाँ पर क्या है, MS राम मलाय मेडिकल कॉलेज है, और ये का नाम है, ये भी दिल्ली में ही, ये भी दिल्ली में ही, तो ये सारे के सारे आपके टॉप 5 हो गए कैसे प्राइवेट कॉलेज, ऐसे बहुत सारे आपको कॉलेज मिल जाएंगे। इसे दूसरी में देखोगे कि खाड़ पाता क्लब सब खोल खा के रहते हैं, है ना, राम रामनदी नाम, और उसमें पूछते हैं, मतलब देखिए कॉलेज एक टीचर से इंफ्रास्ट्रक्चर से चलता है, आपके पास एक टीचर अच्छा हो और थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो कि आपका कैसा रहा कॉलेज चलेगा, और सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है टीचर, लेकिन यहाँ पर टीचर नहीं है, इसी बात, तो ये सारे के सारे आपके ये प्राइवेट टॉप 10 में आते हैं, देखो तमिलनाडु है, ऐसा बात नहीं कि आप तमिलनाडु नहीं जाते, अब इसके लिए भी देखिए, इसके लिए ये सारे सारे जो कॉलेज हैं अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम लॉन्च करते हैं, और साथ में नीट वाले जो हायर रैंक वाले बच्चे रहते हैं वो भी इसका एडमिशन लेते हैं। ये करने का मतलब क्या है, हर कॉलेज को क्या चाहिए, एक ऐसा बच्चा चाहिए जो उस कॉलेज का नाम पूछा करे, तो एकदम ये सारे के सारे जो कॉलेज वाले रहते हैं सबके सब एकदम देखते रहते हैं कौन अच्छा बच्चा है, और देखिए ये सारे सारे कॉलेज में फैसिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, फैसिलिटी तो बच्चों को चाहिए, पढ़ाई अच्छा चाहिए, टीचर अच्छा चाहिए, माहौल अच्छा चाहिए, बस काम नहीं होगा, 4 साल में जाना चाहिए, 5 साल दिखाना है, MBBS करना है 5 साल बेटे को टेक करते 4 साल दिखाना है ना, ये सारे अब देखिए आउट ऑफ इंडिया, अब देखो आउट ऑफ इंडिया वाले में थोड़ा सा गलत है कि ये सब आकर चला के रखना दो तीन साल से चाइना वाले, लेकिन देखिए टॉप से अगर टॉप 5 आउट ऑफ इंडिया अगर आपको जाना है और टॉप 5 कॉलेजेस अगर देखना है यूनिवर्सिटी देखना है कि मतलब कि सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी क्या है आउट ऑफ इंडिया, तो इन कुछ कंट्रीज में जैसे कि माना जाता है संताओ यूनिवर्सिटी जो कि चाइना में है MBBS करने के लिए सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी माना जाता है, ऐसा बात नहीं कि बच्चे चाइना नहीं जाते, बच्चे चाइना जाते हैं, यूक्रेन में जाते हैं, अभी देख रहे थे रसिया यूक्रेन में लड़ाई चला हुआ है, तो देख रहे थे कि यूक्रेन के अंदर बहुत सारे इंडियन बच्चे पढ़ते होते हैं, लगभग 1500 होते हैं, यानी इंडियन बच्चे यूक्रेन में पढ़ रहे हैं, लेकिन फायदा ये होता है कि इंडिया में जहाँ पर जैसे यूक्रेन में जो MBBS की पढ़ाई है वो थोड़ा कम होती है, मतलब पैसे कम लगते हैं, इंडिया में बहुत ज़्यादा है, जैसे इंडिया में पढ़ रहे हो तो कम से कम 2 से 3 करोड़ रुपये लगता है ना, लेकिन आप यूक्रेन में पढ़ रहे हो तो लगभग लगभग मान कर 1 करोड़ रुपये लगा हो आप बात करना ठीक है, ये बात अब देखिए कुनमिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी ये भी चाइना के अंदर, लेकिन आतंक बचा कर रखें इससे जहाँ को लग रहा हो कि ये बेकार है, फिर गए फिर कुत्ता उत्तर चाइना का चाइना एक ऐसा कंट्री है जो कि मतलब सारे जो खाते हैं वो साफ साफ हो जाते हैं, और वो रियल सच्चाई है, वो लोग जैसे चॉपी स्टिक से खाते हैं, अब लोग चावल उनसे चॉपी स्टिक से खाते हैं, अरे सब एक कटोरे चावल लेके बैठ जाते तो पता चला 2 दिन लगे खाने में, इसीलिए वो सब करते हैं ऐसा दिमाग लगाते हैं कि चावल ही खाते हैं, चावल से बना देंगे चाउमीन, मतलब चावल को भी पीस पीस कर बना देंगे चाउमीन नूडल्स पहले से, चावल खाना नहीं है नूडल्स खाना है, अब खा सकते हैं पिछले साल का है 2019 में लगभग 17,000 बच्चे फॉरेनर थे, 70,000